ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हमेशा आपने लिखनी है, आपको आपने नोट किया, मैं हर बार लिखता हूँ कि अगर कॉमन लिख लें यहाँ पे, अगर कॉमन बेस आता है तो ये बेस इनपुट में कौन है, एमीटर, आउटपुट में कौन है, कलेक्टर, और ये बैटरी क्या है, वी बी ई, बैटरी क्या है, वी बी सी, ऐसे करते हैं। और ऐसे मैंने क्या सिखाया था कि अगर आपके पास कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर में इनपुट में कौन है, बेस, आउटपुट में कौन है, तो बैटरी कौन है, वी ई सी, और यहाँ पर बैटरी कौन है, वी बी ई। बस ये जरूर ड्रॉ कर लें, इसी के साथ आपकी कहानी चल रही है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। आप फिर से नोट कर लें इसके ऊपर। ठीक है, देखो अब स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ गेन्स किए थे एम्पलीफायर के, याद है लास्ट टाइम, गेन्स के अंदर हमने जब ट्रांजिस्टर की वर्किंग की थी तो पहला फॉर्मूला, एमीटर करंट वाज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, रूल नंबर वन। फिर कॉमन बेस के अंदर गेन्स क्या थे, पहला डीसी करंट गेन था, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, आउटपुट में कौन है, कलेक्टर, इनपुट में कौन है, एमीटर। तो अल्फा एसी, एसी करंट गेन क्या है, चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट। ऐसी वोल्टेज गेन क्या है, वोल्टेज गेन है एसी करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, आर ओ बाय आर आई, और रेजिस्टेंस गेन को ए आर से रिप्रेजेंट करता है, और अल्फा एसी को कभी कभी ए आई से रिप्रेजेंट भी करता है। चलो ये हमें जरूरत नहीं है, हम यही काम चला लेंगे। एसी पावर गेन क्या है, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। करंट गेन को अल्फा ए सी भी लिखा जा सकता है और ए आई भी लिखा जा सकता है। तो यानी कि अल्फा ए सी स्क्वायर इंटू आर ओ बाय आर आई, ये हमने सारे फॉर्मूला ड्राइव किए थे। ऐसी फिर कॉमन एमीटर के किए थे, कॉमन एमीटर में क्या था, बीटा करंट गेन क्या है, बीटा डीसी करंट गेन, बीटा दैट इज आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो ऐसी ए सी करंट गेन क्या है, चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट, आउटपुट में कलेक्टर, इनपुट में बेस। फिर ऐसी वोल्टेज गेन क्या है, वोल्टेज गेन है ए सी करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस का गेन, तो यानी कि बीटा ए सी इंटू आर ओ बाई आर आई। तो इसको बीटा ए सी या ए आई एक ही बात है, करंट गेन को ए आई भी लिखता है या बीटा ए सी भी लिखता है, सिंपल है। पावर गेन वही बीटा ए सी स्क्वायर इंटू आर ओ बाई आर आई, ट्रांसकंडक्टेंस चेंज इन आउटपुट करंट बाई चेंज इन इनपुट वोल्टेज, और एल्फा का फॉर्मूला बीटा बाई वन प्लस एल्फा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीटा का फॉर्मूला एल्फा बाई वन माइनस एल्फा। क्वेश्चन नंबर 122 पढ़ें। तो इन पीएनपी ट्रांजिस्टर सर्किट, पीएनपी के अंदर कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, आईसी गिवन है। इफ 90% ऑफ होल्स रीच द कलेक्टर, तो आपको कौन सा करंट गिवन है, कलेक्टर करंट गिवन है, और 90% होल्स कह रहे कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं, फाइंड एमीटर एंड बेस करंट। देखो जितने भी आपके होल्स चले वो कलेक्ट हुए कलेक्टर में, और कितने कलेक्ट हुए, 90%। तो इसका मतलब कि जो कलेक्टर करंट है वो 90% ऑफ एमीटर करंट है, एमीटर ने जो फेंका वो कलेक्टर ने 90% उसको रिसीव किया। तो कलेक्टर करंट 90% ऑफ एमीटर करंट, तो यानी कि 90% ऑफ एमीटर करंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके एमीटर करंट 100/90 इंटू आईसी। आईसी आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से आईई आ गया। फिर किरचॉफ लॉ से सबको पता है आईई क्या है, आईबी प्लस आईसी, तो आईबी क्या है, आईई माइनस आईसी, तो आपको आईई पता है, आईसी पता है, यहाँ से बेस करंट कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23।
तो क्वेश्चन क्या है, फॉर अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर मोड. चलो कॉमन एमिटर समझ में आता है, कॉमन एमिटर में इनपुट में कौन है, बेस, आउटपुट में कलेक्टर. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर, तो कलेक्टर में बैटरी को क्या लिखते थे याद करो, सीई, एमिटर और कलेक्टर के बीच की बैटरी आउटपुट, वीसीई गिवन है एंड बीटा भी गिवन है 50, और साथ में बेस करंट निकालना है. अगर आरसी गिवन है, आरसी का मतलब सी फॉर कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब आउटपुट, तो आपको आउटपुट रेजिस्टेंस पता है, आपको आउटपुट वोल्टेज पता है, आउटपुट करंट आ जाएगा. आउटपुट करंट कौन सा करंट होता है, कलेक्टर, तो दोनों को डिवाइड करके कलेक्टर करंट आ गया, आईसी आ गया. अब आपको आईसी पता लग गया, आपको बेस करंट निकालना है, तो बीटा गिवन है आपको, करंट गेन गिवन है इसमें, बीटा कितना 50, तो बीटा होता क्या है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, आउटपुट में कौन है कलेक्टर, इनपुट में कौन है बेस, तो आप आईसी तो निकाल ही चुके आउटपुट, बीटा पता है यहाँ से आईबी आ जाएगा. सारी गेम ही उन फॉर्मूलाज की, आउटपुट और इनपुट की. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24. तो क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कलेक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर. तो पोटेंशियल डिफरेंस कलेक्टर, कौन सा, कॉमन एमिटर मोड. चलो कलेक्टर किसमें, आउटपुट, तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर से गिवन है वीसीई, आउटपुट यानी कि कलेक्टर एमिटर, वीसीई गिवन है विद अ कलेक्टर रेजिस्टेंस, फिर से आउटपुट रेजिस्टेंस गिवन है, फिर से वही चीज, और गेन भी आपको 50 गिवन है. तो आपको क्या करना है इसमें, आप इसमें आउटपुट वोल्टेज जानते हो, आउटपुट रेजिस्टेंस जानते हो, आउटपुट करंट आ जाएगा, आईसी आ गया, सेम रिपीट है, आईसी आ गया. बीटा क्या होता है, आईसी बाय आईबी, तो यहाँ से आईबी आ गया. आपको इसमें एमिटर करंट निकालना है, एमिटर करंट क्या होता है, आईबी प्लस आईसी, आंसर आ गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन है, द करंट गेन फॉर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज 59. कॉमन एमीटर की बात हो रही है, करंट गेन को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं 59. एमीटर करंट इज 6 मिली एम्पियर, आईई भी गिवन है. फाइंड बेस करंट और कलेक्टर करंट. देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर बीटा की डेफिनेशन यूज करते हो तो वो आईसी बाय आईबी देगा आपको. अब आईसी अगर मैं बीटा की ये डेफिनेशन यूज करूँ कि बीटा का मतलब यहाँ पर क्या है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट. अब प्रॉब्लम ये है कि ना तो मुझे ये पता है ना मुझे ये पता है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे यही तो निकालने हैं, तो मैं आंसर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा. तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 1 प्लस बीटा. अब प्रॉब्लम क्या है, अल्फा किसका गेन होता था, कॉमन बेस का, बीटा किसका गेन है, कॉमन एमिटर का. अब अल्फा की डेफिनेशन कॉमन बेस में, कॉमन बेस में आउटपुट में कौन है कलेक्टर, इनपुट में कौन है, तो ये यहाँ से रिप्लेस कर देंगे आईसी बाय आईई. बीटा तो आपको पता ही है, यहाँ से सॉल्व करके ये टर्म आ गई. एमीटर करंट पता है, एमीटर करंट पता है तो कलेक्टर करंट आ गया, किरचॉफ लॉ से बेस करंट भी आ गया. पॉइंट समझ में आया कि कैसे बीटा से काम नहीं चल रहा था तो अल्फा को यूज़ कर लिया, तो अल्फा से हमने आईसी बाय आईई से आईई पता है तो आईसी निकाल लिया, वहां से आंसर आ गए. ठीक है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 26.
a certain NPN transistor has common emitter output characteristics. Common emitter में ज़्यादा question देखने को मिल रहे हैं. Common emitter की characteristics वो दे रहे हैं. Common emitter की characteristics में VCC voltage है और IC current किस में होता है? Output में. तो ये output characteristics हैं. क्योंकि output में कौन है? Collector. Collector का current output current. तो output characteristics वो आपको दे रहे हैं. अब क्या कह रहे हैं? Find emitter current. इनको देखते हुए emitter current निकालो IE. कब? जब वोल्टेज कितनी है 10 और आई बी कितना है 60. ये देखो ध्यान आगे करेक्टरिस्टिक रीड करना टेक्निक है. आपको क्या निकालना है? एमीटर करंट. जब वोल्टेज कितनी है 10 और बेस करंट कितना है 60. अब बेस करंट दो दो हैं, अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को ये चाहिए. तो 60 वाला और वी सी सी कितना है 10. तो देखा जाए 10 के कॉरस्पॉन्डिंगली ऊपर वाला ग्राफ कहाँ मार्क करेगा? यहाँ पर. तो यहाँ से आई सी आ जाएगा. तो यहाँ से 10 लें, यहाँ से 60 वाले ग्राफ को कट करें. 10 वाला 60 को कट करेगा तो अप्रॉक्सिमेट 6 के आसपास आंसर आएगा. तो यहाँ से चेक करो, सॉल्व करके एमीटर करंट निकालना है. तो आपको ये पता है कि अगर ये 10 लेते हैं और ये 60 लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली, देखो अप्रॉक्सीमेटली आप एग्जैक्ट निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे हिसाब से 6 से कम वैल्यू आ रही है. देखो 10 और इसको कट, ये 6 से कम करता है. पर चलो उसने 6 ले लिया तो आपको आई भी पता है 60, आपको आईसी आपने ढूंढ लिया. सॉल्व करके आई कैन बी कैलकुलेटेड किरचॉफ लॉ. तो एक करंट तो ग्राफ से गिवन है, एक करंट आपने मार्किंग से निकाल लिया, तीसरा करंट अपने आप आ गया. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे देखना है इस ग्राफ को, ठीक? तो क्योंकि आई भी आपको पता है, आईसी आपने यहां से निकाल लिया तो आई आ गया. और दूसरा इसमें क्या निकालना है? बीटा एट दिस पॉइंट. तो बीटा क्या है? बीटा होता है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट. तो आउटपुट कॉमन एमिटर में कलेक्टर है और इनपुट बेस है. तो आईसी पता है और आईबी पता है, आंसर गेन आ गया. ठीक है, इस क्वेश्चन में 27 The input resistance of transistor is given 1000. Input resistance of transistor given है. कौन सा transistor? पता नहीं. Common base की emitter पता नहीं. तो ये input resistance given है. On changing the base current, पीछे से base current change किया delta IB. Collector current increases by. देखो इसका मतलब input में base है और output में collector है. तो इसका मतलब ये common emitter है. ऐसे idea हो रहा है, common emitter है. तो वो कह रहा है कि delta IB दे दिया और डेल्टा आईसी भी दे दिया. लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस. तो आर आउटपुट भी दे दिया, आर इनपुट भी दे दिया. क्या पूछ रहा है? फाइंड दी करंट गेन. आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट. आउटपुट में कौन है? कलेक्टर. इनपुट में कौन है? बेस. दोनों वैल्यूज गिवन है, आंसर. वोल्टेज गेन निकालो. वोल्टेज गेन क्या है? करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन. तो करंट गेन ऊपर से निकाल लिया, रेजिस्टेंस गेन में आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस, आंसर. फॉर्मूला बेस्ड है सारे. ये देखो ये है करेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट.
क्वेश्चन है, फिगर शोज दी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन सीई कॉन्फ़िगरेशन। सीई का मतलब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर है। फॉर दिस ट्रांजिस्टर फाइंड डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस निकालनी है डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब कुछ चेंज इन वोल्टेज चेंज इन करंट करके निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड डीसी करंट गेन, फाइंड एसी करंट गेन। ये तीनों आंसर देने हैं कब, जब ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है वीसीई 10 वोल्ट और आईबी कितना है 30। ग्राफ तो बहुत सारे गिवन है, किस ग्राफ पे काम करूं, आईबी 30 पे। तो आईबी 30 देखें, ये रहा आईबी 30 और वीसीई कितना है 10। तो ये ग्राफ बनेगा, ये वाला ये बनेगा, ये 10 लेना है और ये तीनों पार्ट्स निकालने हैं 10 लेते हुए और ये 30 लेते हुए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आपको पहला पार्ट क्या निकालना है, पहला पार्ट निकालना है फाइंड द डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस है। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। चेंज इन आउटपुट, क्योंकि डायनेमिक का मतलब चेंज, तो चेंज इन आउटपुट चेंज इन इनपुट। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको आपका क्वेश्चन 10 वोल्ट पे दे रहा है वो, पर आपको तो चेंज इन डेल्टा भी चाहिए ना। तो चेंज में बहुत तरीके हैं, आप 10 वोल्ट के राइट 10 वोल्ट के लेफ्ट कोई भी दो पॉइंट ले लो, जैसे एक 12 ले लो एक 8 ले लो, तो डेल्टा भी क्या होगा 12 में से 8, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट निकाल लेना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट निकालना, डेल्टा आई भी आ जाएगा। डेल्टा आई आ गया, डेल्टा वी आ गया, डिवाइड करके डायनेमिक रेजिस्टेंस आ गई। जैसे इसने 10 के ऊपर 2 नहीं लिया, 10 के ऊपर उसने 2.5 लिया, तो यहाँ पर एक वोल्टेज लेगा 10.25, एक वोल्टेज लेगा ये देखो यहाँ से 12.25, 10 प्लस 2.5 12.25, और एक 10 से 2.5 माइनस 7.5, फिर करंट मेजर कर लेगा 12.5 के कॉरस्पॉन्डिंग करंट, 7.5 के कॉरस्पॉन्डिंग करंट मिली एम्पियर में, तो एम्पियर में कन्वर्ट करके डायनेमिक रेजिस्टेंस आ गई। जरूरी नहीं कि 2.5 का डिफरेंस लें, आप 2 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, निकलेंगे अप्रोक्सीमेशन से सारी चीज़ें। सेकेंड पार्ट है आपको क्या निकालना है इसमें, डीसी करंट गेन। डीसी करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। अब आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट में एक चीज़ देखो, आई बी कितना लेना है 30। 30 क्यों लेना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन किस पे है, आई बी इज इक्वल टू 30, तो आई बी तो 30 लेना ही लेना है। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अब आपको क्या निकालना है, आई सी निकालना है। तो चलते हैं, ये रहा आपके आई बी कितना है 30, 10 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली इसे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, जो कि 3.6 के आसपास आएगा। इसने आई सी निकाल लिया, तो यहाँ से आई सी निकाल लिया, आई सी को पुट करके गेन आ गया। ठीक, लास्ट पार्ट है डीसी करंट गेन निकालना, एसी करंट गेन निकालना है, चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट। सेम स्टोरी है, डेल्टा आई बी, अब आपको डिनोमिनेटर में डेल्टा आई बी चाहिए। अब आई बी की वैल्यू उसने क्या लेने को कही थी, 30। डेल्टा आई बी में काम करो, या तो ये ले लो या ये ले लो, तो इसने डेल्टा आई बी में 10 ऊपर ले लिया, तो डेल्टा आई बी यानी कि 40 माइनस 30। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली 10 वोल्ट पे आप पहले यहाँ आई सी निकालोगे और यहाँ से भी आई सी निकालोगे और दोनों को माइनस करोगे। ये देखो, ये रहा डेल्टा आई सी, तो पहले 40 वोल्ट पे देखोगे 4.7 आएगा आई सी, और ऐसी 30 वोल्ट पे 3.6 आएगा, सॉल्व करके आंसर। तो कैसे रीड करनी है, करेक्टरिस्टिक समझ में आ रहे हैं, इसकी रीडिंग कैसी चलेगी, अप्रॉक्सीमेट चलेगी इसमें, तो इसका आंसर।